अगर आप लोग को भी यहाँ पे फैन पे और ओमनी कार्ड से बेटर यूपीआई एप्लीकेशन चाहिए तो यहाँ पे एक नया एप्लीकेशन आ चुका है। नया यानी कि पुराना एप्लीकेशन ही है, लेकिन इस एप्लीकेशन में यूपीआई आ चुका है। तो ये जो एप्लीकेशन का नाम है ये है अकूडो यूपीआई। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी पुराना एप्लीकेशन है, जो जब यहाँ पे ओमनी कार्ड और फैन पे यूपीआई लाए थे तब से ये एप्लीकेशन फेमस है। इस एप्लीकेशन में पहले तो यूपीआई का फीचर्स नहीं थे, लेकिन अभी इस टाइम पे फिलहाल यहाँ पे काफ़ी सारे यूपीआई के फीचर्स इसमें आ चुके हैं। जैसे कि आप बिल पेमेंट्स कर सकते हो अपना, और साथ ही साथ इसमें आप किसी को भी स्कैन एंड पे करने वाला फीचर, सब कुछ यहाँ पे ऐड हो चुके हैं धीरे धीरे। पहले ये सारे फीचर्स नहीं थे, लेकिन अभी ये सारे फीचर्स इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। तो चलिए मैं बताऊँगा ये एप्लीकेशन में क्या फैन पे का जैसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। फैन पे और ओमनी कार्ड में जैसे हमको यहाँ पे पैसे कट जाते हैं फिर वापस नहीं आते, वैसे कुछ प्रॉब्लम या फिर सर्वर डाउन का प्रॉब्लम यहाँ पे होगा कि नहीं, वो सब बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो जितने भी लोग यहाँ पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस एप्लीकेशन का पूरी जानकारी दूंगा। इसमें यहाँ पे कैसे आप यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकते हो, इसका केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करिए अकूडो यूपीआई की, तो ये एप्लीकेशन आपको दोनों में अवेलेबल है, यानी कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और ये एप्लीकेशन एकदम सेफ है ट्रांजैक्शंस के लिए। इसमें भी आपको फैन पे और ओमनी कार्ड जैसे एक कार्ड मिलता है जिसकी मदद से आप यूपीआई पेमेंट्स कर पाओगे। जैसे कि हम लोग फैन पे और ओमनी कार्ड में यहाँ पे कार्ड की मदद से हम लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो एक कार्ड एप्लीकेशन है टीनेजर्स के लिए, जिसके मदद से हम लोग यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। तो हो क्या रहा है कि अभी आपको पता होगा कि ओमनी कार्ड में यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो यहाँ पेमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फैन पे में अभी भी वर्क कर रहा है। तो ये दोनों एप्लीकेशन सिर्फ इंडिया में है जो टीनेजर्स के लिए यूपीआई देता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ दो एप्लीकेशन होने के कारण यहाँ पे काफ़ी लोग दोनों में से एक ही एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बनाते हैं। तो अगर फैन पे यूज़र्स को यहाँ पे सर्वर डाउन का प्रॉब्लम आता है तो ओमनी कार्ड में जाना पड़ता है, और ओमनी कार्ड का आता है तो फैन पे को यूज़ करना पड़ता है। तो ये दोनों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये एप्लीकेशन बेस्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें जो यूपीआई है ना वो फैन पे और ओमनी कार्ड से भी थोड़ा बेटर है। तो सबसे पहले बात कीजिए इसका मैं क्या बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अकूडो यूपीआई, जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे आपका कार्ड डिटेल्स आ जाएगा ऊपर, मैंने ऑलरेडी स्किप कर दिया है यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे नंबर शो हो रहा था। तो यहाँ पर बता दूँ इसके अंदर आप जैसे ही आओगे आपका जो कार्ड है वो सब यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल केवाईसी कंप्लीट करना है, मिनी केवाईसी जिसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, सिर्फ आपका जो भी टीनेजर हो आपका आधार कार्ड लगेगा और आपका जो मिनी केवाईसी वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा जिसमें यहाँ पे कार्ड डिटेल्स होंगे ऊपर, मैंने इसको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि वहाँ पे फ़ोन नंबर शो हो रहा है। तो वहाँ पे ना कार्ड डिटेल्स होंगे, तो कार्ड डिटेल्स को आप नीचे यहाँ पे देखेंगे टॉप एक्शंस फॉर यू नाम का एक टैब होगा, वहाँ पे आपको गेट यूपीआई का एक न्यू ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा लोडिंग पेज आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यू पेज पर ले जाया जाएगा जहाँ पे बोलेगा भाई यूपीआई आप क्रिएट कर सकते हो कैसे सब कुछ। और ये जो यूपीआई होने वाला ज़्यादा सिक्योर होने वाला है फैन पे और ओमनी कार्ड से, लेकिन बताऊंगा इसमें एक प्रॉब्लम भी है जिसके कारण काफ़ी लोग इसको यूज़ नहीं करना चाहते अभी के टाइम पे। तो यहाँ पर आपको स्किप एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप स्किप एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हो ये आपसे 200 रुपये का चार्ज लेता है, यानी कि 199 रुपीस का यहाँ पे ये चार्ज लेता है यहाँ पे एक वेरीफाई करने के लिए आपका केवाईसी। तो देखो यहाँ पे पैसे तो ले रहे हैं ये लोग, यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं यूपीआई क्रिएट करने के लिए, लेकिन आई थिंक ये शायद ओमनी कार्ड और फैन पे जैसे वर्क बेटर वर्क करेगा। और अभी के टाइम पे ना एक और प्रॉब्लम इसमें बता दूँ कि ये सिर्फ मर्चेंट पे आप पे कर सकते हो, यानी किसी फ्रेंड को आप पे नहीं कर सकते, सिर्फ किसी भी दुकानदार को आप पे कर सकते हो। जैसे उसके पास गूगल पे का या फिर अमेज़ॉन पे का मर्चेंट QR है तो आप उसी को वहाँ पे कर सकते हो, ना ही कि आप अपने किसी भी दोस्त को यहाँ पे UPI पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिर्फ मर्चेंट पेमेंट के लिए 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं। आई थिंक 200 रुपये में ना यहाँ पे देखो फुल KYC आपको कंप्लीट कर देंगे, एक लाइव कॉल लेंगे आपके साथ, आपके पेरेंट्स के जो पैन कार्ड और आधार कार्ड है उसको वेरीफाई करेंगे लाइव कॉल में, और उसके बाद आपका जो UPI पेमेंट है ना वो हो जाएगा, विड्रॉल है वो भी यहाँ पे चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिमिट्स इंक्रीज हो जाएंगे, बस इतने ही सारे इसमें फीचर्स कम है। हालांकि इसमें फीचर्स आपको कम दिख रहे हैं, लेकिन आई थिंक ये अच्छा वर्क करेगा फैन पे और ओमनी कार्ड से, लेकिन फिर भी यहाँ पे 200 रुपये का चार्ज ले रहे तो भरोसा नहीं कर सकते। तो जितने भी लोगों को ट्राई करना ना जाके ट्राई कर सकते हो, अगर आप कहते हो तो मैं इसको ट्राई करूँगा ज़रूर आपके लिए, और कमेंट से दिखाऊँगा आपको कैसे UPI ID क्रिएट करने के बाद क्या क्या ऑप्शन आते हैं हमारे पास, और जो पेमेंट्स है वो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, सब कुछ दिखाऊँगा। बस आप कमेंट कर देना, अगर ज़्यादा इस पर व्यूज़ आते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊँगा इसके ऊपर वीडियो। तो ये थी आज की वीडियो कि आप कैसे एक और एप्लीकेशन चूज़ कर सकते हो टीनेजर्स के लिए UPI के लिए, क्योंकि अभी के टाइम पे सिर्फ फैन पे और ओमनी कार्ड में UPI चलता है, वो भी कभी कभी, तो इसलिए ये एप्लीकेशन हो सकता है आपके लिए अच्छा, तो मैंने बता दिया। और अगर आप चाहते हो वीडियो बनाना इसके ऊपर तो फुल वीडियो बनाना, तो इसको आप कमेंट कर सकते हो आप। तो चलिए मिलते हैं कौन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।